अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो उर्दू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट टू है। इसका पार्ट वन अपलोड हो चुका है, जिसमें हिस्से नसर के 15 चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आपको बताई हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको हिस्से नज़्म का 16 चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगी। ये वीडियो यानी कि पार्ट टू और पार्ट वन, ये दोनों वीडियो एक तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक तरह से बोला जाए तो ये दोनों वीडियो कुंजी है, चाबी है आपके मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इस दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में उर्दू में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि चकबस्त की पैदाइश कब हुई। तो चकबस्त की पैदाइश हुई थी 1882 ईस्वी में, 1882 में। अगला सवाल है, चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई, यानी कि चकबस्त कहाँ पैदा हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राय बरेली में। तीसरा सवाल है, निसाब में शामिल नज्म मुनाजिरे कुदरत के शायर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चकबस्त। ठीक है, अगला सवाल है, चकबस्त का पूरा नाम क्या था। तो चकबस्त का जो पूरा नाम था यानी कि फुल नेम था, वो था पंडित बुर्ज नारायण। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आंसर राइट। अगला सवाल है 5, चकबस्त की वफात कब हुई, यानी कि उनका इंतकाल कब हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1926 ईस्वी, 1926। ठीक है, 1926 में चकबस्त की इंतकाल हो गई थी। अगला सवाल है, चकबस्त का इंतकाल कब हुआ, कहाँ हुआ। यहाँ पर कब लिखा गया है जबकि कहाँ होना चाहिए। तो चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर ए, राय बरेली में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चकबस्त ने कौन सी डिग्री हासिल की कहाँ तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वकालत की डिग्री हासिल की थी, और ये वकालत तक ही इन्होंने डिग्री हासिल की, इसके आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई। तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, 1918 ईस्वी, 1918 में। अगला सवाल है, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश पाकिस्तान के किस ज़िला में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मियांवाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते चलिए और इसको याद करते चलिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है, यानी कि जो जगन्नाथ आज़ाद हैं उनकी जो ये पोएम है, वो उस पोएम का नाम क्या है जो आपके बुक में है। तो उसका नाम हो जाएगा 10 नंबर का सेकंड, इंडिया गेट, इंडिया गेट हो जाएगा। अगला सवाल है, जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था, यानी कि उनके फादर का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, तलुक चंद महरूम। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 12, इंडिया गेट कहाँ वाकई है। ये तो सबको मालूम होता है, इंडिया गेट दिल्ली में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की, यानी कि इंडिया गेट को किसने बनवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड, अंग्रेज़ों ने। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल, नज़्म इंडिया गेट के शायर कौन है। जो इंडिया गेट पर पोएम लिखा गया है, वो पोएम के शायर कौन है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर थर्ड, जगन्नाथ आज़ाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ। तो जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल हुआ था, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 2004 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निसाब में शामिल नज़्म हम नौजवान हैं के शायर कौन है। यानी कि जो आपके बुक में है चैप्टर हम नौजवान हैं, इसके शायर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परवेज़ शाहदी। अगला सवाल है 17 नंबर,
परवेज़ शाहदी की पैदाइश कब हुई? तो परवेज़ शाहदी की पैदाइश हुई थी, यानी कि उनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सेकंड 1910 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 18 नंबर। परवेज़ शाहदी पटना सिटी के किस मोहल्ला में पैदा हुए, यानी कि पटना शहर के किस मोहल्ला या गांव में पैदा हुए? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोधी कटरी में। आगे बढ़ते हैं, परवेज़ शाहदी के वालिद का नाम क्या था, यानी कि उनके फादर का नाम क्या था पिताजी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सैयद अहमद हुसैन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। परवेज़ शाहदी का असल नाम क्या था, यानी कि उनका रियल नेम क्या था? तो उनका जो रियल नेम था वो था सैयद इकराम हुसैन, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए 21 क्वेश्चन है, परवेज़ शाहदी के अहलिया का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए, फजलियत इंसाए बेग, ठीक है, बेगम, फजीलत इंसाए बेगम हो जाएगा परवेज़ शाहदी के अहलिया का नाम। अगला सवाल है 22, परवेज़ शाहदी का इंतकाल कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1968 ईस्वी, 1968 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 क्वेश्चन, परवेज़ शाहदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हम नौजवान हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल, तखलीत हयात के इशाद कब हुई? यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, सॉरी इसके लिए, यहाँ पर बोल रहा है तखलीस हयात की इशाद कब हुई, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हो गया, अब 25 देखते हैं। चलिए अगला सवाल है 25, नेदा फाजली की पैदाइश कब हुई? तो नेदा फाजली की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1965 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 1965 में। अगला सवाल है, नेदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो नेदा फाजली की पैदाइश जो हुई थी वो हुई थी ग्वालियर में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है 27, नेदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका में मसाइल को उभारा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का वो होगा थर्ड, कमज़ोर तबका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल है, शामिल निसाब नज़्म बिजली का खम्बा के शायर कौन है, यानी कि जो बिजली का खम्बा आपके बुक में जो चैप्टर है उसके शायर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नेदा फाजली, ठीक है। अगला सवाल है, बिजली का खम्बा के अलावा नेदा फाजली की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? क्वेश्चन बोल रहा है कि बिजली का खम्बा जो आपके बुक में चैप्टर है उसको नेदा फाजली ने लिखा है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी पोएम है जो नेदा फाजली द्वारा लिखा गया है? तो इसका 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नज़्म बहुत आसान थी पहले, ये भी नेदा फाजली द्वारा लिखा गया है, और बिजली का खम्बा भी नेदा फाजली द्वारा लिखा गया है, ये दोनों नज़्म नेदा फाजली द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नेदा फाजली का इंतकाल कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 31, सैयद मोहम्मद जाफरी के सन पैदाइश क्या है? तो जो सैयद मोहम्मद जाफरी का सन पैदाइश है वो हो जाएगा 1905 में, यानी कि 1905 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सेकंड, लाहौर में सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश हुई थी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, देखते चलना है और सबको याद करते चलना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था, तो यानी कि उनके फादर का नाम क्या था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सेकंड, सैयद मोहम्मद अली जाफरी। ठीक है, अगला सवाल है 34। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए के नाम क्या है, तो इसका क्या होगा। अपने से खुद से लगाने की भी कोशिश कीजिए। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सूखी तहरीर। ये सैयद मोहम्मद जाफरी का मजमूआ है। आगे बढ़ते हैं, दर्ज ज़ेल शोराए में मज़ाह के शायर कौन है। तो जो 35 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दिलावर निगार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अगला सवाल है कि गालिब का पूरा नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सेकंड, अस अल्लाह खा गालिब। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर सवाल है, ये कितना बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गालिब शायरी में पहले पहले पहल क्या तखल्लुस रखते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए, अस्त। ठीक है, अगला सवाल है 38। गालिब की शन पैदाइश हुई, यानी कि गालिब पैदा हुए थे कितना ईस्वी में। तो 38 का हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, 1797, 1797 ईस्वी में गालिब पैदा हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 39। सवाल है, गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। आबाओ अजदाद का मतलब होता है परिवार, फैमिली। तो जो गालिब की फैमिली है वो कहाँ से हिंदुस्तान में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर थर्ड, ईरान से वो हिंदुस्तान आए थे, गालिब की पूरे परिवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 39 हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन, इन सभी को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप तो पूरा मैट्रिक में 50 सही कर कर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल, गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का फोर नंबर ऑप्शन, 1869 ईस्वी, 1869। आगे बढ़ते हैं, गालिब की परवरिश किसके जेर साया हुई, यानी कि गालिब की परवरिश किसकी देख रेख में हुई। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चचा नसरुल्लाह बेग द्वारा। चचा नसरुल्लाह बेग ही गालिब की परवरिश की थी। आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन, मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था, यानी कि मिर्ज़ा शौक का जो रियल नेम था वो क्या था। तो 42 का आंसर हो जाएगा सेकंड, तसदक हुसैन खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43। मिर्ज़ा शौक के सन पैदाइश क्या है। तो जो मिर्ज़ा शौक के सन पैदाइश है वो ऑप्शन नंबर ए, 1783 ईस्वी। अगला सवाल है, मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, तबाबत का। आगे बढ़ते हैं, मिर्ज़ा शौक का इंतकाल कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर थर्ड, 1871 में मिर्ज़ा शौक का इंतकाल हुआ था। आगे बढ़ते हैं 46। चलिए 46 सवाल है, मिर्ज़ा शौक के मसनवी का नाम बताएं। तो मिर्ज़ा शौक का जो मसनवी है वो है फरीबे इश्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47। नसीम की पैदाइश कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का थर्ड, 1811 ईस्वी, 1811 में। ठीक है, 48 क्वेश्चन है, नसीम का पूरा नाम क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर सवाल है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, दया शंकर नसीम। ये नसीम का पूरा नाम है, फुल नेम है। आगे बढ़ते हैं, नसीम कहाँ पैदा हुए। तो जो नसीम पैदा हुए थे वो लखनऊ में पैदा हुए थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन,
नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो जो नसीम का मसनवी का नाम है वो है गुलजार नसीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 सवाल, नसीम का इंतकाल कब हुआ? अपने से भी लगाने की कोशिश कीजिए। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? नसीम का इंतकाल कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, कब हुआ? तो 1945 ईस्वी सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है 52, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? यानी कि इस जो नसीम शायरी लिखे, इस शायरी में नसीम किसके स्टूडेंट थे? शागिर्द मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है, किसके स्टूडेंट थे? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आतिस के। ठीक है, अगला सवाल है, नसीम के वालिद का नाम क्या था, यानी कि उनके पिताजी का क्या नाम था? तो जो 53 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए, पंडित गंगा प्रसाद कौल। ठीक है, ये उनके नसीम के वालिद का नाम था। आगे बढ़ते हैं। 54 का, मुस्तफ़ा का पूरा नाम क्या था? तो मुस्तफ़ा का जो पूरा नाम था, 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाम हमदानी मुस्तफ़ा का पूरा नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 55, अगला सवाल है, मुस्तफ़ा की पैदाइश कब हुई? तो मुस्तफ़ा की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 55 का सेकंड हो जाएगा 1748 ईस्वी में, 1748 में। 56 क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा की पैदाइश कहाँ हुई? तो मुस्तफ़ा की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी अमरुहिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। अगला सवाल है 57, मुस्तफ़ा की ज़ेर निसाब मसनवी का नाम बताएं। तो मुस्तफ़ा की जो ज़ेर निसाब मसनवी है वो है आगाज़ दास्तान। ठीक है, अगला सवाल है, उर्दू के पहली मसनवी कौन है? उर्दू के जो पहली मसनवी हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, कदम राव पदम राव। अच्छा नाम है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मुस्तफ़ा की वफ़ात कब हुई, यानी कि इंतकाल कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1824 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1869 ईस्वी, 1869 में। अगला सवाल है 61 सवाल है, मुबारक अजीम की पैदाइश कहाँ हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ताजपुर में मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है, मुबारक अजीम की पैदाइश दरभंगा के किस ज़िला में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी ज़िला में। आगे बढ़ते हैं, मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था, यानी कि उनके फादर का नाम क्या था? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा फिदा हुसैन वामिक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, 64 सवाल है, फारसी शायरी में मुबारक अजीम के उस्ताद कौन थे, यानी कि टीचर कौन थे? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, अब्दुल हमीद परेशान। चलिए आगे बढ़ते हैं 65, उर्दू में मुबारक के उस्ताद कौन थे? उर्दू में मुबारक के उस्ताद कौन थे, यानी कि टीचर कौन थे? जबकि फारसी में कौन थे, फारसी में उर्दू के उस्ताद कौन थे? अब्दुल हमीद परेशान। लेकिन उर्दू में क्या होगा? 65 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है, दाग दहलवी उर्दू में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद यानी कि टीचर थे। अगला सवाल है 66, मुबारक के शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जलवे दाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, मुबारक अजीम के शेरी मजमूआ कब शाई हुआ? तो 67
सेवन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट 1951 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर सवाल। हुकूमत हिंद ने अदबी कारगुजारियों का एतराफ कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर 4 1954 ईस्वी 1954 में। ठीक है, अगला सवाल है 69। हुकूमत हिंद ने मुबारक की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 100। अगला सवाल है 70 नंबर। मुबारक अजीम आबादी कहाँ तक तालीम हासिल की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का 1 मैट्रिक तक ही मुबारक अजीम आबादी ने तालीम हासिल की, उसके आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। अगला सवाल है 71। सवाल है अहमद फिराज की पैदाइश कब हुई? तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं 72। अहमद फिराज की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर 2 पेशावर, यानी कि पेशावर में अहमद फिराज की पैदाइश हुई थी। 73 है, अपनी मौत से चंद माह पहले अहमद फिराज बिहार के किस शहर में आए थे? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दरभंगा। सबको देखते चलिए, इत्मीनान से देखिए और धीरे धीरे आप हो सके तो वीडियो को 2 बार 3 बार कम से कम 5 बार देखिए ताकि याद हो जाए आप लोगों को। चलिए 74 देखते हैं। जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गैर मर्दिफ कहते हैं। ठीक है, दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वली दक्कनी द्वारा। ठीक है, 76 क्वेश्चन है, अहमद फिराज की शायरी के कुल कितने मजमू शायर हुए हैं, यानी कि पब्लिश हुए हैं, कितने शायरी मजमू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 12 शायरी मजमू पब्लिश हुए हैं। अगला सवाल है 77 है, गज़ल एक मिनट ज़रा जूम करने दीजिए। गज़ल अहदी के सवाल है, गज़ल अहदी के किस सिन्फ से माखूज है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 77 का 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तस्बीब। अगला सवाल है 78, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के आखिरी शेर को बोलते हैं मक्ता। आगे बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन है, 79 है, अहमद फिराज किस यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हुए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पेशावर यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 80 है, अहमद फिराज का इंतकाल कब हुआ? तो अहमद फिराज का इंतकाल हुआ था 2009 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 81 सवाल है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? ये बहुत पॉपुलर सवाल है, ये कितना बार पूछा जा चुका है 81। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, मतला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हसन नईम की पैदाइश कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर 3 1924 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, हसन नईम की पैदाइश पटना के किस ज़िला में हुई? तो 83 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अजीमाबाद में हुई थी। अगला सवाल है, हसन नईम किस अदारा में डायरेक्टर के अहदे पर मामूर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 गालिब इंस्टीट्यूट में। अगला सवाल है, हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजारत खारजा में। 86 सवाल है, हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 1991 ईस्वी मुंबई में हसन नईम का इंतकाल हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 86 हो गया, 87
सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसी में से आएगा आप लोगों का मैट्रिक में, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगला सवाल है 87, परवीन शाकिर की पैदाइश पाकिस्तान के किस शहर में हुई थी? तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कराची में, ठीक है, कराची में परवीन शाकर की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है 88, परवीन शाकर की पैदाइश कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर सेकंड, 1952 ईस्वी। अगला सवाल है, परवीन शाकर के वालिद का नाम क्या था, यानी कि उनके फादर का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, साकिब हुसैन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90, परवीन शाकर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए? हिजरत करना मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो परवीन शाकर के जो वालिद थे यानी कि उनके जो पिताजी थे वो हिजरत करके कहाँ गए थे? तो 90 का जो सही आंसर होगा वो होगा हिंदुस्तान से पाकिस्तान, उन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक हिजरत की थी, ठीक है। अगला सवाल है, परवीन शाकर की शादी किससे हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नसीर अली से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परवीन शाकर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ख़ानदान में ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल है, परवीन शाकर मैट्रिक इम्तहान किस स्कूल से पास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा, रज़िया गर्ल्स हाई स्कूल में। अगला सवाल है, उरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? तो 94 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। इन्होंने, ज़रा जूम करने दीजिए, 1929 ईस्वी 1929 में पैदा हुए, बदायूं में पैदा हुए थे उरफान सिद्दीकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 95 सवाल, उरफान सिद्दीकी की ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिख सिद्दीकी। आगे बढ़ते हैं 96, उरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1953 ईस्वी 1953 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97, मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे। मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी, इतना बड़ा नाम है, अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे, या उरफान के कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दादा, मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी उरफान के दादा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 98, उरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल की? तो आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर सेकंड, दिल्ली में, उरफान सिद्दीकी दिल्ली में मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 99, उरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से यकजा तौर पर शाई हुए, यानी कि उरफान सिद्दीकी का कौन सा मजमूआ किस नाम से पब्लिश हुआ? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दरिया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 100, उरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2004 ईस्वी बदायूं में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 101 सवाल, जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 1934 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 102, सबको देखते चलिए, 102 सवाल है, जफ़र गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस ज़िला में पैदा हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 का ए, गोरखपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 102 क्वेश्चन हो गया, 103 देखिए सवाल है, जफ़र गोरखपुरी का
एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम लिखें। तो इसका क्या होगा? 103 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सच्चाइयाँ। सच्चाइयाँ जो ये मजमुआ लिखा गया है वो बच्चों के लिए लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, दोहे में कितने मसरूए होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मसरूए होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 105 सवाल, उर्दू दोहे किस शायरी के दोस्त से उर्दू में आए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, हिंदी से, हिंदी से उर्दू में आए हैं, ठीक है। 106 सवाल है, सलाम मछली शहरी किस सिर्फ शायरी के शायर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मर्शिया। आगे बढ़ते हैं, 107, जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से गुजरती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला सवाल है, सलाम मछली शहरी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, जौनपुर में पैदा हुए थे। आगे है, सलाम मछली शहरी की पैदाइश ताजपुर के किस सूबा में हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 108 का सेकंड नहीं होगा, 108 का फर्स्ट होगा, ताजपुर, ठीक है। और फिर अगला सवाल है, सलाम मछली शहरी की पैदाइश ताजपुर के किस कस्बा में हुई थी? यानी कि ये ताजपुर में पैदा हुए थे और ये किस गांव में पैदा हुए थे? तो वो है मछली शहर में पैदा हुए थे ये, ताजपुर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, 110 नंबर सवाल, सवाल है, सलाम मछली का असल नाम क्या है, यानी कि उनका रियल नाम क्या है? तो 110 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अब्दुल सलाम नाम है उनका रियल नाम। सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या है, यानी कि उनके फादर का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, अब्दुल रजाक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 112 नंबर सवाल, 112 नंबर सवाल है, सलाम मछली के दादा का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोहम्मद इस्माइल, ठीक है। तो ये हो गया आपका 112 सवाल। तो आप लोगों ने ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को बार बार देखिएगा, और जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना उस दिन भी ये दोनों वीडियो देख कर जाइएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा, ठीक है। तो वीडियो को देख लीजिएगा, और अभी तक आपने अभी शेयर नहीं किया है वीडियो को तो शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।